अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के त्यांगसे इलाके में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हुई। 9 दिसंबर को यह घटना घटित हुई, लेकिन चीनी सैनिक पूरी सोची समझी साजिश के तहत पहुंचे थे। तकरीबन 300 की यह संख्या थी। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पहली गलवान, अब तवांग। तीस महीने बाद चीन का फिर विश्वासघात। अरुणाचल प्रदेश के यांगसे इलाके में 9 दिसंबर को क्या हुआ? खबर है कि एक बार फिर चीन ने भारत के साथ विश्वासघात किया। एलएसी पर तवांग के पास 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन के सैनिकों के बीच फिर झड़प हुई है। चीनी सैनिकों के पथराव में 6 भारतीय जवान घायल हुए और गुवाहाटी में इनका इलाज चल रहा है। झड़प के दौरान 15 चीनी सैनिकों के भी घायल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर किया। हालांकि सेना की तरफ से जारी बयान में जख्मी सैनिकों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग तांगसे वन में ये मैगमोर्न लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की डिफेंस विंग ने जारी अपने बयान में कहा है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर से सटे एलएसी के कुछ खास इलाके को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, जहां दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से ये चलन में है। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए जवानों ने तवांग सेक्टर में एलएसी में अतिक्रमण किया, जिसका हमारे जवानों ने मजबूती और दृढ़ता से मुकाबला किया। टकराव की वजह से दोनों तरफ से कुछ सैनिक जख्मी हुए। दोनों पक्ष तुरंत शांति से उस इलाके से हट गए। इस घटना के बाद इलाके के कमांडर ने अमन और शांति के लिए तय प्रक्रिया के मुताबिक और अपने समकक्ष के साथ इस मसले पर फ्लैग मीटिंग में चर्चा की। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी सारा सब वहाँ जुड़ गए हैं और अभी माहौल अच्छा है। जो इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, फिर भी सिचुएशन शांति है और वहाँ सुनने को मिला है कि फ्लैग मीटिंग भी हुआ है आपस में, तो सिचुएशन अभी ठीक है। शांति बहाल हो गई, लेकिन ड्रैगन पर यकीन कैसे किया जाए? आज तक के पास चीन की हिमाकत की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तवांग में एलएसी के पास चीन ने पूरे गांव बसा लिए हैं। सीमा के करीब सड़कों का जाल बिछा है। आप इस सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की चालबाजी और धोखेबाजी देख सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर चीन की मंशा 9 दिसंबर को क्या थी? जवाब ये सामने आया है कि चीन के सैनिक भारत की पोस्ट को हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा को भारत के सैनिकों ने कामयाब नहीं होने दिया। चीन के सैनिकों को उल्टे पैर जाना पड़ा। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प ने 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सैनिकों में हुई खूनी झड़प की यादों को ताजा कर दिया है। हमले में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने अदम्य शौर्य दिखाते हुए आमने सामने की लड़ाई में चीन के 40 सैनिकों को मार गिराया था, जिसका सच आज तक चीन स्वीकार नहीं कर पाया है। और ऐसा लगता है कि गलवान का मुंह तोड़ जवाब चीन भूल चुका है और एलएसी पर नई गुस्ताखी पर उतर आया है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।